हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, कैरी मिनाटी का नया वीडियो ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम है एमसी सलमान फिट बिग बॉस। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले वीडियो देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। सुबह डे 11 बजे साफ सुन गया तो अनु, मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेंके रहे इधर। है किसे कहा अबे, पाकिस्तान भेज देंगे। तेरे को नहीं बोला ब्रो, तू क्यों आ रहे बीच में? और छाड़ दे नेगी, होना था वैसी तंदूर बनना है। ओके, तो वो एमसी स्टैंड की तरह कर रहा है। बना दूंगा। दैट्स नॉट राइट, ही कांट से दैट। ओ माय गॉड, ओए दोस्त, वाल बनाने नहीं आओ यार? मैं तो क्या आए थे, बुंड बनाने हैं। बुंड बनाने नहीं, मारने आया हूं। ओ माय गॉड बिग बॉस, ये लोग जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। okay. कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अरे उड़ जाओ भाई। अन भाई, रिवाइटल के डब्बे लाए हैं। अरे बाप, ऐसे जैसे आग लग गई हो, लेकिन इन परिंदों को कौन बताए, डब्बा एक ही है। मुंह पकड़ लिया। मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है। अब जो होस्ट है उसे होना चाहिए शांत प्रकार का, और सलमान भाई से ज्यादा शांत। अब मैं बोलता हूँ, मिल मेरे को कई बार। भाई शांति को रखना है, उसे चो तो आओ यार, इससे पहले सलमान भाई गाड़ी निकाले, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारी बकचोदिया है मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर। ओके, ये लेटेस्ट वाला बिग बॉस की है या मिस इंडिया रनर अप? ए रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। तुझे पता भी है कितने लाखों लड़के को यार। अबे ये कैसा ग्लैमर है, सकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। मिस इंडिया, यू आर नथिंग। ना थूत ना आवाज, जान को मिस इंडिया बने बैठी है। सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कैसे करते? नहीं। तो अगर ऐसे होते मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह, सो सिंह। क्या बात है भाई, तो ज़ोन आउट हो गए। क्या जलाऊ जवाब दे रही है, एपिसोड खत्म करूँ, घर जाकर मटन तोड़ूंगा। घरवाली बढ़िया, ओ छोड़ के चली गई। परसों कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलिन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे यार, बैक टू वर्क। हमारी अगली बिग बॉसिया है अर्चना। इसका सबसे एक ही सवाल है, पागल हो गया मैं? नहीं नहीं, वाइल्ड है भाई, वाइल्ड है। इंडिया थी और ये है मिस बिकनी इंडिया। बिग बॉस का ब्यूटी पेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? अब दो अप्सराएं हैं। फिर वो तो होता ही है, कोटा तो होता ही है। खूबसूरत, सब खूबसूरत लोगों को ठूस देते ऐसा लगता है। खत्म। अब टांट पे क्राउन धर के क्वीन बना दे, टीवी में एड दिलवा दे, सड़कों पे होर्डिंग लगवा दे, मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया, मिस बिजनेस इंडिया, मिस बिकनी इंडिया, मिस मिस्टर इंडिया। ये वाला सेंस नहीं बना ना, बाकी चार बना गए। बट नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। अपने दिल की बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। अंडी मंडी शंडी, जो बिग बॉस में ना लड़ा उसकी दीदी अगले की गुत्ती पकड़ ली। क्यों? तुम्हें पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा, टिश्यू पेपर मांग रहा था। जिसने देखा उसको पता है, पेट में चाकू मार देती। चाकू कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक बार अबे फिर से लड़ेगी। अभी देख, कचरे में से जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती है, ये खुरपा है। खुरपा कलेश ढूंढती है, इसके सर पे कोई बत्ती लगा दो, जैसे ही थोड़ी गर्म हो सायरन बजना चालू हो जाए, कम से कम भागने का मौका तो मिलेगा। फिर तो सायरन ही बजता रहेगा। क्या है ये? अच्छा शालीन, इसका पहला नाम है शालीन और दूसरा नाम नुकसान। ये कदर का सनी देओल गुस्सा नहीं, परफॉर्मेंस निकाल रहा है। दो दिन फुटेज मिलती नहीं है, दौरा चढ़ जाता है। टीवी एक्टर है ना, वो मेरे लिए एनफ प्रोवोकिंग है टू बीट द शिट। एक्टिंग कर रहा है भाई, एक्टिंग कर रहा है। अबे प्रोटीन बुद्धि, बिग बॉस में रहकर बिग बॉस जाने के ऑडिशन क्यों दे रहा है? Exactly. क्या करे, बिना स्क्रिप्ट के जवान लड़खड़ा जाती है। बकरी की तरह मिमिया क्यों रहा है, सीधे बोलना। मैन भूल गया, मैन पहले अलमारी था क्या? ऐसे कौन बोलता है, शब्द पकड़े जाते नहीं है। लेकिन लड़की मतलब सब पे ट्राई करेगा तो चिपक जा फिर। लेकिन एक पे कहां रुक रहा है? मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, नाच ले उसके साथ। ये
ये बेटे ये अब नुकसान से बिग बॉस पे परेशान है बार बार। शाली सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं लेकिन फिर दिस इज अ कन्फेशन रूम वी आर सपोज्ड टू हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन हियर हियर। अच्छा अच्छा बिग बॉस एक्सेंट मार रहा मूवी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान की। टेबल के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान बाकी सबसे बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में अरे ऊपर चढ़ गया। 8 बजे हमारे अगले प्रतियोगी हैं मशहूर रैपर एमसी। क्या था ये ओम प्रकाश का घूमता है तेरा सर से पांव तक के भाव क्या है? इट्स लाइक 60-70 लाख 60-70 लाख। वैसे तो सेलिब्रिटी आते हैं लेकिन पहली बार बिग बॉस के घर में दहेज आया है। दहेज पिलेरी के गहने हटा दो धोबन का बच्चा ज्यादा साफ लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा श्रृंगार पहन रखा है लेकिन शब्द एक ही आता है जो हिंदी है ही नहीं। शेमड़ी अच्छा मराठी है। शेमड़ी शेमड़ा चिल्लाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है स्नूप डॉग भी तो ऐसे ही बोलता है। तू कारी शेमड़ कारी क्या के कारी शेमड़ी। दिन से रात हो जाती है लेकिन इसकी धमकियां खत्म नहीं होती। अरे लोखंड वाले मैं घुस के मारूंगा निकलने दे एक बार। अब लंडे का जो घुसेगा आराम से जा भी तो सकता है। तेरी माँ की औकात है तू आके बता गाली दे रहा है मेरे से मत जा मेरे से गाली देगा। ओए चढ़ गया अंदर चहल बॉल डाल रहा है। बॉल डाल एक बार ये देखो फिर ये देखो अगला कूलर पे रख के चला देगा। लेकिन भाई ने सोचा अपन भी बॉडी बनाएगा इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू किया। अच्छा कार्डियो। मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे उसमें से कुल 100 घंटे इसकी फुटेज होगी लेकिन फिर भी एंड विनर ऑफ बिग बॉस जीत गया ऑब्वियसली सीजन 16 गोस टू एमसी स्टैन। ओ खुद हैरान है इसे कुछ होश ही नहीं है चल क्या रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है क्या भक्की टीम में हो यार तुम्हें पता मुझे सपने कैसे आते हैं। विकी बहुत खुश लग रहे हो आप और ये खुशी आई नो दैट फीलिंग। समझ रहे हो। अब जब भी हमारे रैपर की गुथाई होती है पता नहीं क्यों साजिद खान से सुट्टा पिलवाता रहेगा। चला सिगरेट पी फिर ठंडा हो जा। अंदर आ जा ठंडा हो जा। भाई की छोड़ ना सुट्टा मार छोड़ ले बस। कैंसर भी कह रहा होगा इतनी क्या जल्दी है। नहीं है बात निकल गई है एक सिगरेट पी क्या की गली सुट्टा मार दे। एक काम कर उसकी गांड में गोल्ड फ्लेक जला दे क्योंकि लत ऐसी लगा दी मुंह से तो फिल्टर खा जाता है वो। साजिद खान की कास्टिंग काउच इतनी फेमस है इससे लौंडिया छोड़ो लौंडे भी डरते हैं। साजिद खान को इंडिया नहीं पसंद है क्योंकि रशियन डरती नहीं है ना। मेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी। मेरा नाम साजिद खान है सर। साजिद खान नहीं सिफारिश खान है क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज है पार्शियलिटी होगी। ये आपस में खेलते रहते हैं बैटबीन का बॉलबीन की बाकी सब तो चूतों की तरह फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग के मौके और करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है। अच्छा। क्यों बैठा है मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है क्यों फट रहा है छोड़ ना सुट्टा मार। सही बात बोसिया है बड़ा अच्छा। ये है अब्दू 20 साल का लौंडा है पर मेडिकल कंडीशन के वजह से इसकी हाइट छोटी है लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा है। सुबह अच्छा हर कोई उठा रहा है दोपहर 4 बजे लगड़ा नहीं है वो ये लोग दिमाग से पैदा लगड़ा नहीं है वो। लड़के तो कतई बावड़ी हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे ले अब तूने हक दिया पागल औरत तूने भी सोच ली बच्चा समझ रहे हो ना बच्चा ही सही वो कईयों का साइज और देखो कंडीशन कैसी भी हो लौंडा तो लौंडा ही रहता है। कंपटीशन ये सब क्या हो रहा है कल को बच्चा बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे। इसके बच्चा होने की इतनी कंफ्यूजन है किसी ने कोरा पे पूछ रखा है Does Abdul live with Snow White? ये कौन Snow White? कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है ना वो छोटा है ना वो बच्चा है और नहीं रहता वो स्नो वाइट के साथ। साजिद खान की कंपनी आधिकारक है बेचारा अब्दू भी कॉर्न फ्लेक्स से गोल्ड फ्लेक पे आ गया। सोचो अगर कप्तान अमेरिका के पास शील्ड की जगह बाल्टी हो। अच्छा पूरा का मोड़ फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में हर लड़की कहती है गर्ल पावर फेमिनिज्म सॉरी 100 पुशअप लीजिए। हां चल ठीक है ये वाली ये गुड लक निमरित गो घोड़ी नहीं बनना था नाम पे सिर्फ ब्रा पहननी आती काय बात की गर्ल पावर ये असली पुशअप है तो ये भी असली सलमान खान है। मेरे ख्वाबों में धड़कनों में समा। जब सलमान भाई सेक्स करते हैं तो उनके स्पर्म कुछ ऐसे भागते हैं। ओ गिर गई वो शेरा है
अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना अगली ईद पे भाई मुझे काट रहे होंगे। अब जो भी इस वीडियो को लाइक मारेगा उसे मिलेगा 1,00,000 रुपए कैश। बस छुट्टे नहीं है सिर्फ 2,000 का नोट है। और भैया ना वीडियो में काफी टाइम लग गया क्योंकि मैंने 100 घंटे सीरियसली यार देखा या नहीं इसने पूरा बिग बॉस। हिंट देने की क्या जरूरत है, मत दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो सफेद वाला बटन है उस पर डाउरी फेंक के मारो या दहेज मुझे नहीं पता, बस शादी हो जानी चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे साइकिल चलाने जाना है। साइकिल वो है सौरभ के घर पिज्जा ऑर्डर कर दे, वो आज भी दाल चावल खा रहा है। बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ, गांड मराओ, इतना इंस्टाग्राम देखते हो, एक काम करो उस पे गांड भी हिला लो, पैसे तो तब भी नहीं कमा पाओगे और पढ़ाई तो सलमान ने भी नहीं करी, तुम कौन सी खेत की मूली हो। ओ तेरी भाई सीरियसली यार, मतलब ले ली भाई कैरी ने, ले ली एक एक को पकड़ के। और सही में मतलब जिसको रोस्ट किया है वो रोस्टिंग के लायक थे, मतलब ऑब्वियसली अर्चना गौतम को उठाया और शालीन को, साजिद खान को, बेचारा अब्दू ऐसे ही पिस गया बीच में। ऑब्वियसली उसको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे थे घर वाले, और काफ़ी जैसे काफ़ी टाइम बाद वीडियो आया कैरी मिनाटी का, और सही में यार मतलब देर आए दुरुस्त आए, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था और हर एक कैरेक्टर को पकड़ा यार। और ऑब्वियसली मुझे इतना इतना पता है कि ये वीडियो बनाने के लिए उसने कहीं ना कहीं पूरा बिग बॉस चाटा होगा, पूरा बिग बॉस देखा होगा, और वो दिख भी रहा था कि वो किस तरीके से कह रहा है कि भाई 100 घंटे देख के उसने ये वीडियो बनाया है। और सही में यार बहुत 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 अच्छा वीडियो था, और हर एक को जिस तरीके से रोस्ट किया, हर एक की मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ जैसे निकाली ना वो सिगरेट वाली यार, मतलब वो साजिद खान की जब कुछ हो नहीं रहा चल सिगरेट पीने चल सिगरेट पीने, और वो अब्दू की यार मतलब जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे थे, शालीन की जिस तरीके से वो मतलब बोलते समय रुक रहा था और ऐसा लग रहा था भाई सोच सोच के बोल रहा है, और जैसे कि होता है ना कि बिना स्क्रिप्ट के बोल नहीं पाता वैसा, मतलब हर एक पॉइंट को पकड़ के जिस हिसाब से रोस्टिंग की है भाई, और इसके अंदर इनसाइड जोक जिस तरीके से भाई बहुत बहुत ही ब्रिलियंट। और सही में कैरी मिनाटी का हर एक वीडियो जिस तरीके से आता है बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। और ऑब्वियसली जिसको नॉनवेज नहीं पसंद वो नहीं देख सकते, और जिसको पसंद है उसको पसंद है भाई। और मुझे सही में बहुत अच्छा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप कितने हंसे यार वो भी कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।